हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 10 मई 2020। आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने प्रवासी राहत मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो प्रवासी राहत मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी राहत मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। लेकिन ये जो ऐप है क्यों लॉन्च किया गया है, ये ऐप लॉन्च किया गया है जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनको रोज़गार मुहैया कराने के लिए, उनको सरकारी नौकरियों के प्रति जागरूक करने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। इस ऐप को इसलिए ही लॉन्च किया गया है। अच्छा, बात करें कि अगर ये जो ऐप जो सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने लॉन्च किया है किसके सहयोग से किया है, तो ये क्या है, UNDP के सहयोग से। किसके सहयोग से, UNDP के सहयोग से, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से ये ऐप जो है लॉन्च किया गया है। अगर कहें तो इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं और इसी में उत्तर प्रदेश के बारे में ही कुछ और जानते हैं। अगर बात करें पहले UNDP के बारे में कि UNDP की स्थापना कब हुई थी, तो UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है मुख्यालय, न्यूयॉर्क में है और स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में यानी कि यूपी के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है लखनऊ। क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ से 2-3 क्वेश्चन और भी पूछ लिए जाते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। किसका शहर कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अच्छा, लखनऊ से ही एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो दूसरा क्वेश्चन लखनऊ से क्या पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। और लखनऊ के अंदर ही उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी जो खंडपीठ है वो यहीं पर स्थित है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ। और भाजपा की यहाँ पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर बात करें कि यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय पक्षी है यहाँ का सारस या कोच। अगर बात करें कि राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो वो बारहसिंगा है। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, द्वितीय भाषा क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय प्रथम भाषा जो है वो हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा यहाँ की उर्दू है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलाश मानसरोवर हेतु लिंक रोड का उद्घाटन किया किसने है। तो हाल ही में कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया गया है, लेकिन ये किसने किया है, ये किया है राजनाथ सिंह ने। किसने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है। और राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह कौन है, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। कौन है, राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। और इसके बारे में अगर बात करें कि सड़क का जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, वो किया गया है सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है, यानी कि जिसको BRO भी हम कहते हैं, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें BRO के बारे में यानी कि सीमा सड़क संगठन के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किसका, BRO का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुष संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आयुष संजीवनी ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है, लेकिन ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अगर बात करें कि डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शराब बिक्री हेतु ई टोकन की शुरुआत किसने की है। तो ई टोकन व्यवस्था की शुरुआत हाल ही में किसने की है, क्योंकि शराब की दुकानें खोली गई हैं और इन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, इससे कोरोना फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है, तो भीड़ जो है वो उमड़ कर पड़ रही है इन पर। तो ई टोकन की शुरुआत की गई है, सिस्टम ई टोकन सिस्टम की शुरुआत की गई है शराब बिक्री के लिए। किसने की है, ये की है दिल्ली सरकार ने। किसने की है, दिल्ली सरकार ने की है। अच्छा, बात अगर दिल्ली की करें कि दिल्ली में किसकी सरकार है, तो दिल्ली में बात करें तो आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी सरकार है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है।
विशाखापट्टनम में हाल ही में गैस त्रासदी के अंदर लगभग 16 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और गैस का रिसाव था, इसके अंदर लोग मारे गए हैं। तो इसके अंदर आप अधिकतर क्या करते हैं स्टूडेंट, ये याद रख लेते हैं कि गैस त्रासदी हाल ही में कहाँ पर हुई है, विशाखापट्टनम में हुई है। ये बात सबको पता है, जो एक तरह से ना पढ़ने वाला स्टूडेंट भी उसको भी पता है कि वो जो इतना ध्यान नहीं देता कि कहाँ पर गैस त्रासदी हुई है कि विशाखापट्टनम में हुई है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ जाता है वो इस तरीके से आपसे पूछ जाता है कि क्वेश्चन आपसे, हाँ ये भी पूछा जा सकता है कि गैस त्रासदी हाल ही में कहाँ पर हुई थी, तो विशाखापट्टनम में हुई थी। लेकिन क्वेश्चन को हमें इस तरीके से याद रखना चाहिए कि जो रिसाव हुआ है गैस का वो कौन सी गैस थी। तो ये थी स्टाइरीन गैस। कौन सी गैस थी? विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस का? स्टाइरीन गैस का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो यहाँ पर पहले जो आयु थी वो थी 58, यानी कि 58 वर्ष पर यहाँ पर रिटायरमेंट होता था, लेकिन अब उसको एक वर्ष के अंदर बढ़ोतरी कर दी गई है, एक वर्ष उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये किस राज्य ने किया है? ये क्या है? तमिलनाडु ने। किसने क्या है? तमिलनाडु ने किया है। अब इन्होंने एक वर्ष की बढ़ोतरी कर दी अपने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट में। अगर बात तमिलनाडु की करें तो यहाँ की राजधानी चेन्नई है और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के ई के पलानी स्वामी। अगर बात करें कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो वह हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। यह आयु पहले 58 वर्ष थी, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि बैन लगा दिया है 1 साल के लिए? कितने वर्ष के लिए? 1 साल के लिए बैन लगा दिया है, लेकिन किसने लगाया है? ये लगाया है झारखंड ने। किसने लगाया है? झारखंड ने 11 उत्पादों पर लगभग बैन लगा दिया है, जो पान मसाला होते हैं इनके। अब बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन और जो राज्यपाल हैं यहाँ पर वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है राज्यपाल? द्रौपदी मुर्मू। अगर बात करें कि कितने उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो पान मसाला के 11 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने भारत को COVID-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो COVID-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए ऋण दिया जाएगा, कितना? $500 मिलियन का। कौन देगा भारत को? AIIB। कौन सा बैंक देगा? AIIB ये ऋण भारत को देगा। अगर बात AIIB के बारे में करें तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका बीजिंग में स्थित है। बीजिंग कहाँ पर है? बीजिंग चीन के अंदर स्थित है। अच्छा, यहाँ पर बीजिंग और चीन का नाम आया है तो यहाँ से दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। आपको बता दें कि बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है, कैपिटल है चीन की, ठीक है? इस बात को आपको याद रखना है, चीन की कैपिटल है बीजिंग, ठीक है? और चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। इस बात को आपको याद रखना है, 2-3 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसके साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया गया है? तो भारत में हाल ही में रूस के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया गया है। किसके साथ किया गया है? रूस के साथ, ठीक है? अगर बात रूस की करें तो यहाँ की राजधानी मॉस्को है और राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मॉस्को यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? रूस की। आज की जो हमारे करंट अफेयर्स है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा है।